is about citizen engagement in technocratic times. My hope in this panel is that at the end of this really rich experience of people who have been working in their own areas and spaces, we make it meaningful by getting out some sharp questions which should actually then help us move ahead and plan as we work tomorrow in smaller groups of what is it that we need to address. I am going to start without much further ado. Hum sabke paas suchi hai ki isme hum kin baaton ki charcha karne wale hain. Isko hum shuruaat kar dete hain. Prashn bhi likhe hain is par. And I assume the panelists ko broad area kisme unka 40 saal ka anubhav 10-12 minute mein isme se kya maine rakhega. Iska challenge main shuruaat kar dungi Shankar se. इनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, गुरु हैं. तो मैं वो गांधी जी का एक कोट है उसे चालू करूंगा. सब जानते हैं आप, लेकिन दोहराता हूं दोबारा. उन्होंने कहा था कोई भी आप योजना या कुछ भी प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में सोचो जो लास्ट में बैठा है. अगर वो आपके इसमें कवर नहीं होता है तो इसका मतलब आपका इसमें इसका कोई मतलब नहीं. और यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में जो आई है इसमें वो जो कहते हैं ना कि सेठ को केवल व्यापारी को केवल व्यापार से मतलब है, उसको मुनाफे से मतलब है. बाकी भाड़ में जाओ उसको उसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं. तो वो अपना मुनाफा कहाँ देखता है वो उसमें घुस जाएगा. अभी लोगों की तरफ से देखें तो लोग तो आप जो चीज बताते हो वही पीछा करते रहते हैं. आपने कहा ये कार्ड बनाओ, अब उनको समझ में आ रहा है कि इस कार्ड नहीं बनाए तो हमें क्या नुकसान होगा. नहीं बनाया तो अब उनको डर लग गया कि मेरा तो राशन ही बंद हो जाएगा तो वो भाग के वही बनाता है. अभी आप आजकल में जो हो रहा है वो भी देख सकते हो कि 500 रुपए का नोट है, इस 15 तारीख के बाद कोई लेगा नहीं तो मर पच के उसके पास जो भी है वो लाइन में खड़ा है, चाहे दिन भर रात को 8-9 बजे तक भी लगा रहे. तो ऐसे इन कार्डों के साथ भी हुआ. आपने जो रास्ता दिया उस पर वो लग गए, अपना कार्ड बनाने में घुस गए, लाइन लगा दी और इतनी स्थितियां, कैंप लगे, सब कुछ हुआ. और अब ये जैसे ही ऑनलाइन वाला मामला आया अब वो सीधा मशीन से सामना आपका, और कहीं व्यक्ति कुछ है ही नहीं सामने. आप जाओ वो मशीन में आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं. मान लो आप राशन की दुकान पे गए, गेहूं लेने भी गए और उस मशीन ने मना कर दिया तो डीलर कहता है भैया मशीन ने मना कर दिया, क्या हुआ कि मशीन कह रही है कि तेरा गेहूं नहीं, तो अब लड़ाई किससे करो आप? वो मशीन से तो कोई झगड़ा ही नहीं, उससे कैसे करो? कौन है सामने लड़ने के लिए? पहले ये था कि तू रजिस्टर दिखा, मेरा रजिस्टर में डीलर के रजिस्टर में हम देख सकते थे कि तेरे रजिस्टर में मेरा नाम नहीं पिछली बार था, अब के नहीं है तो बता नहीं, वो रजिस्टर तो हम देखें. तो अब तो रजिस्टर की बात ही खत्म हो गई. तो जितना ज़्यादा आप इसमें घुस जाओगे कि भाई हमें तो केवल टेक्नोलॉजी का इसमें मशीनी और ये सब करने हैं, तो ये इस मामले में आमने सामने की कोई बात नहीं होगी और लोग छूट जाएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ छूट वो रहे हैं जो लास्ट में हैं. आप जाके देख लो उनकी लिस्ट देख लो, वो छूट रहा है जिसकी कोई आवाज़ नहीं, वो छूट रहा जो चालाक नहीं. और गांव में जो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है वो दलाल है. पहला नंबर अगर किसने इसका बेनिफिट लिया है तो गांव का जो दलाल है, जो आराम से यहां वहां दलाली करके अपना काम चलाता है, वो सबसे पहले जाके और अपना इसका बेनिफिट ले लेगा. और इसके अंदर वो छूट रहा है जिसके पास कुछ, जिसकी आवाज नहीं है, जिसके पास कोई है नहीं. दूसरा रास्ता, आप जितना भी आप क्यों लगा रहे हो कुछ चीज, आप कहते हो ना कि भाई कोई चीज ना मुश्किल है उसको सरल करेंगे हम. आप सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल होता है इसलिए वो मशीन लगा लेते हो, सीढ़ियाँ अपने आप चलेगी, आप कुछ ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं. तो टेक्नोलॉजी में आप यही सोच के कर रहे हो कि भाई थोड़ा आसान करें, आपने तो उल्टा मुश्किल कर दिया उसके बेचारे को. वो पहले जो कुछ था अब सब कुछ वो पहले वाला भी करना पड़ता है, फिर इस मशीन के अंदर भी जाना पड़ता है, फिर अगर मशीन ने मना कर दिया तो आप घूमते रहो, वो फार्म को लेके घूमते रहो.
आज वो पेंशन का फार्म भरवाने के लिए फार्म का पूरा पुलंदा लेके आता है, सारी फोटो लगाता है, सब कुछ करता है, फिर ऑनलाइन करवाता है, फिर उस फार्म को वापस वहां भी देता है जहां पे उनको हार्ड कॉपी भी देना है। ऐसे हर योजना में पालनहार के और छोटे छोटे ये सब महत्वपूर्ण चीजें है, 500 रुपए की पेंशन, 2 रुपए किलो वाले गेहूं, पालनहार में 1000 रुपए महीना बच्चों की जो एकल नारी है उसके बच्चों को पढ़ाई के पैसे मिलते हैं, सारे के सारे उस ऑनलाइन के चक्कर में फंसे हुए और उनको वो बहुत आसानी से कह देते हैं भैया इसमें है नहीं तुम्हारा नाम, हम कुछ कर। अभी मैं आपको वाक्य बताऊं कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति जिसके कोई कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, अकेला है, उसको खाना खिलाने वाला कोई नहीं। वो व्यक्ति धरने में आ गया और जब उसने ये कहा कि मेरे पास कोई मतलब गेहूँ मिलता कि नहीं, नहीं पेंशन मिलती कि नहीं, वो बुजुर्ग भी है पेंशन नहीं गेहूँ नहीं, तो मैंने यार इतना तो मिलना चाहिए। वीडियो के पास गए, मैंने कहा वीडियो साहब इसका तो कुछ करो, इसके पास कुछ भी नहीं है ना। मैं कह इसलिए तुम आपके पास आए कि इसके पास कुछ भी नहीं, इसको गेहूँ नहीं है, इसको पेंशन नहीं है, इसके नहीं, पर अब इसके पास कागज कुछ नहीं है, इसके पास आधार है, मगर नहीं ये राशन कार्ड है वो भी नहीं है, तो ये आज तक का था क्यों नहीं बनाया। मैं ये विदेशी नहीं है, तो इसी देश का रहने वाला है, लेकिन इसके पास कुछ था नहीं संभालने वाला, तो ये कभी तो बहन के पास गया, कभी बुआ के पास गया, कभी मौसी के पास गया, ऐसे ही घूमता रहा और घूमते घूमते अपना टाइम पास किया, वापस गाँव में आया है। तो अब आप कुछ बना सकते हो, देखो बिना कागज तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। आज भी आज तक वो आदमी अटका हुआ है, उसको गेहूं और वो सब नहीं मिला। चालाक लोग निकालने वाले रास्ता निकालते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में उन्होंने राशन के गेहूं में निकाला मामला, क्या निकाला कि जब वो आपकी मशीन पे अंगूठा लगाती हो तो मशीन बोलती है कि आपका आधार नंबर सीट करो, तो उस डीलर ने क्या किया, उसका नंबर आधार हटा के अपना आधार नंबर लगा दिया। उसको वो तकनीक मालूम थी कि मैं आधार नंबर सीडिंग मेरा कर दूं, खुद का सीडिंग कर दिया। आधार नंबर क्या बोलता है, आधार नंबर बोलता है कि भाई ये अंगूठा इसी नंबर वाले का है। मैं ये नहीं कह रहा ये आदमी गलत है, वो कह रहा है कि ये जो आधार नंबर आपने लगाया ये अंगूठा इसी का है, तो उसने अंगूठा लगा दिया, आधार नंबर अपना सीट कर दिया, अंगूठा ली, बाद में उसने मशीन में वापस उसको हटा के उसी का नंबर वापस लगा दिया। अब वो जब गेहूं लेने आता है तो मशीन पर अंगूठा, आपका गेहूं उठ चुका है, गेहूं तो आप लेके पहले, तो उसने कहा नहीं लेके, भैया मैं क्या करूं, तो ऊपर से आ रहा है, तो अब ऊपर से आने के चक्कर में नीचे कुछ भी नहीं रहता। ऐसे सैकड़ों लोगों की गेहूं ले ली सरकार को, तब पता चला आखिर में लास्ट में उन्होंने कहा कि यार ये सब गड़बड़ कैसे हुआ था। उनको देखा रात को 11 बजे भी पीडी चल रही, सुबह 5 बजे भी पीडी चल रही, तब उनका ऐसी कौन सी दुकान है जो रात को 11 बजे भी खुल रही है 5 बजे भी खुल रही है। तब उन्होंने देखा तो पता लगा कि यार एक ही व्यक्ति बार बार आधार नंबर सीट करके ये गेहूं उठाया जा रहा है। तो वो जो चोर वाले जो रास्ते है ना, वो तो कहीं भी नहीं, टेक्नोलॉजी का बाप है वो तो कहीं से भी रास्ता निकाल देंगे। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से लोगों की जवाबदेही के साथ नहीं करोगे, आज सामना सामना है ही नहीं, मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं उस मशीन से क्या लड़ूं। एक एक सुनवाई का मौका था, एक सिस्टम बना हुआ था राजस्थान में कि भी आपको हर आपकी कोई ग्रीवेंस है आप उस पंचायत के उस खिड़की में जाओ, अर्जी दो, आपको 7 दिन में सुनवाई होगी, आमने सामने सुनवाई होगी, 14 दिन में कार्रवाई होगी, 21 दिन में लिखित में जवाब मिलेगा, कुछ तो हो। आज तो कुछ भी नहीं मिलता है, मोबाइल पे एक मैसेज नंबर आ जाता है, आपका ग्रीवेंस आईडी नंबर ये, बस वो लेके बैठे रहो आप, और वो जो जिनको समझ में नहीं आता उसको उस नंबर को ही लेके बैठ रहते हैं, वो वापस जाके उसका कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो पूरा आउट कर दिया है हर स्कीम से इसको, और कोई किसी किस्म की जवाबदेही आमने सामने इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो बाहर जा रहे हैं, ढेरों उदाहरण मेरे सामने हैं जहां अंत गरीब आदमी कटा हुआ आज भी कटा हुआ है, और वो कटे हुए हैं जिनके घर पे खाना नहीं। आज भी वैसे लोग बैठे हैं गांव में जिनकी वो उनके अंगूठा छोड़ो वो तो घर से निकल ही नहीं सकते, वो टोटली बेड पे पड़े। अब डीलर बोलता है कि भाई साहब जब तक मेरी दुकान तक ये नहीं आएगा मैं तो गेहूं नहीं दे सकता। मैं कहूं वो आ नहीं सकता, वो तो खाट पे पड़ा है, बैंक में वो वहां से जा नहीं सकता, इसलिए उसको नहीं मिलेगा। कोई किसी की उंगलियां बिगड़ी हुई है, कोई डिसेबल है, उसका आधार बन नहीं रहा है क्योंकि उसकी उंगलियां अंगूठे काम नहीं कर रहे हैं, आधार नहीं बन रहा तो उसको बैंक में खाता नहीं खुल रहा है, बैंक में खाता नहीं खुल रहा तो वो नरेगा में काम पर नहीं जा रहा है, नरेगा में नहीं जा रहा
उसको और स्कीम से उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो कहीं भी सब कनेक्शन ऐसे कट जाते हैं। और ये जो परसेंटेज वाले मामले में सोचते हैं कि यार बहुत बढ़िया इतने ही तो बच्चे हैं, तो इतने ही बच्चे में तो वही हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम इस बारे में अगर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, परसेंटेज नहीं लें इसमें, तो या तो करो तो 100% करो भाई, एक भी नहीं छोड़। अगर तुम्हारी मशीन में इतना दम है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी है ना ये, तो इसमें इतना दम है तो एक भी क्यों छूटना है? फिर तो सबका बनना चाहिए ना। हाथ वाले में सबका बन सकता है, रजिस्टर में आप एंट्री करके सबका बना सकते हो, तो यहाँ एक छूटने का क्या मतलब है? जो सामने आया उसको होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं 10% 15% ये तो छूट गए, जो 15% में जाके उनकी कहानी देखो। दूसरा, जो भी ये टेक्नोलॉजी मशीन में जो भी कुछ डालते हैं, आंकड़े बनाते हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं। हमने पेंशन वाले मामले में देखा कि पब्लिक डोमेन में तो वो कहते हैं कि भाई इसका एड्रेस गलत है इसलिए पेंशन रुक गई, ये घर पे नहीं मिला इसलिए पेंशन रुक गई। MIS के उसमें जाके हम जब ई मित्र के थ्रू गए तो पता लगे तो डेथ हो गई। तो हमने डेथ हो गई मतलब ये तो जिंदा है। और एक नहीं, राजस्थान में ऐसे हजारों की संख्या में लोग मिले जिनको आपने आपकी मशीन में आपकी तकनीक में तो उनको डेथ कर दी, और वो तो जिंदा है इसलिए पेंशन बंद कर दी, और आज भी उस लिस्ट को आउट नहीं कर रहे। उनको लगा कि ये लिस्ट बाहर पब्लिक डोमेन में जाएगी। जब हमने जब ये मामला उठाया तो कलेक्टर में आई थी, और कलेक्टर ने आके देखा, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जिंदा है, डेथ कैसे हो गई, इसमें कैसे दिखा दिया? ये वो बात ही कर रहे थे, हम भी वहीं खड़े थे, उसको ध्यान नहीं था, हम आए हुए, ये कैसे हुआ? अच्छा ये इनको कैसे पता लगा, इनको कैसे पता लगा कि डेथ हो गई? तो मैं पीछे खड़ा था, मैंने मैडम को ई मित्र से, उसने ऐसे मुड़ के देखा, उसने कहा नहीं नहीं ये कंप्यूटर मिस्टेक है, ये हमारे कोई ऑपरेटर ने गलती की। तो वो ऑपरेटर की गलती कितनी लंबी चली, एक पंचायत में, दो में, तीन में, चार में, पांच में, पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में, ये क्या बात हुई? तो इतने लापरवाही कि आप उस कंप्यूटर के बटन को कुछ भी दबा के कुछ भी कर दो, किसी की जिंदगी कुछ भी गड़बड़ कर दो। एक और देखो, आप विडो पेंशन का फॉर्म भरवा के देख लो, उस फॉर्म को लेके वो 6 महीने तक घूमते रहते हैं, फिर पेंशन नहीं होती, एक फॉर्म और भराते हैं, फिर पेंशन नहीं होती, तीसरा फॉर्म और भराते हैं, तो 3-3 फॉर्म भरते हैं, फिर भी पेंशन का पता नहीं। आपके पास मेरे आधार नंबर आने के बाद में आपने मेरा पूरा बायोडाटा आपके पास है, अच्छा उसमें उसकी ओल्ड एज उम्र हो गई, तो भैया फिर पेंशन का फॉर्म क्यों भरवा रहे हो? आप तो एक बटन और दबाओ ना, ताकि एक बटन दबाओ अगले दिन उसके पीपी जारी हो जाए, उसके घर पेंशन का, उसके पास तो सीधा आई तेरी पेंशन आ गई, कहां से आ गई? अरे तेरी उम्र पूरी होगी कि मेरी उम्र का उनको कैसे पता है? तेरा है ना रिकॉर्ड, तेरा तो आधार कार्ड बना हुआ है ना, तेरी उम्र तो वहां गई हुई है, तब तो खुश हो जाए, तब तो माने कि तब तो आप बढ़िया कर रहे हो भाई, तब तो आप हमारी इस टेक्नोलॉजी को आप उसमें ही। सरकार जहां उस टेक्नोलॉजी को अपने पक्ष में समेटना चाहती है वहां समेटती है, जहां उनको लगता है कि ठीक नहीं है वहां पब्लिक डोमेन में कुछ सोचना बनाती नहीं। ये सारे डीलरों को एक एक मशीन 18-18 हजार में मशीन भेज दी, 9 हजार से ज्यादा तो हमारे राजस्थान में डीलर हैं, वो मशीन 18 हजार की मशीन का पैसा भी उनसे लेंगे, और उसके हर उसके ऊपर जो करेंगे एक एक एंट्री उसका चार्ज भी उससे लेंगे, क्योंकि वो सब उनको पास जाना है। तो कंपनी की कमाई तो बेशक हो जाएगी, लेकिन हमारे उन लोगों का क्या होगा जिनका ये सब ढांचा उस वजह से चल रहा है? जो काम सरकार को करना था उसी कर्मचारी का काम है, जो रजिस्टर में लेके सब कुछ करना था, अब क्या ऐसा नया दूतक कर दिया आपने कि और बस अब तो सब मशीन से होगा? अरे भाई तेरा जो मैनुअल जो आदमी बैठा है वहां पे बैठ के कर रहा था, उसको तुमने मशीन में डाल दिया, वो ये क्या करेगा? आप कह रहे हो नहीं अंगूठा लगा के ऑफिस में घुसो, अरे वो तो इतने साथी रहेगा, एक तरफ अंगूठा लगा के ऑफिस में घुसेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, तुम क्या कर लोगे? तुम कैसे निगरानी कर लोगे? दिन भर रहा, टाइम से आया 5 बजे, वो शाम को 5 बजे नहीं गया, दिन भर नहीं रहा ऑफिस में, कुछ काम नहीं किया एक टक्के का, शाम को एक और अंगूठा लगा दिया जाने का, एक आने का एक जाने का, दिन भर बैठे रहो। तो ये क्या बात हुई कि पूरा मशीन पैसे भरोसा करके वो चलाओ? तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा हमें उस तरह से भी विचार करना चाहिए कि हम कैसे लोगों का इसमें जुड़ाव हो सके, और जो उनके पास कुछ भी है वो हम भी देख सकें। यार ऐसी क्या बात हुई, आप जो कुछ बना रहे हो आप ही बना रहे हो, हमें तो देख ही, हम देख नहीं सकते, तो ऐसी क्या बना रहे हो, ऐसे क्या छुपा रहे हो जो आप हमको नहीं बताओगे? बहुत ही अहम सवाल उठाए हैं, मैं अभी इस समय पर समेटने की कोशिश भी नहीं करूँगी। राजेंद्र नारायण,
आप बात कीजिए. हेलो. हमारी सबकी पहचान हो चुकी है तो आई एम नॉट गोइंग ओवर इंटरेक्शंस एनीमोर. हेलो. I'll probably try to speak in English first, and after a certain amount of time, I'll switch to Hindi. And depending on how much time we have, I'll keep switching back and forth between Hindi and English. Okay. So I want to start by looking at the questions that were sent. One of that was about how has digitalization changed citizen experiences of access to public information, grievance redress, and consultative process. Now, I want to begin by saying that technology itself is neither good nor bad. It doesn't have a character of its own. It boils down to the intention of the person who's creating the technology, what are the values imbibed in deploying the technology, and what is the administration's mechanism of taking feedback from citizens who are actually users of the technology, and how are they incorporating that in whatever changes they have to make, so that there's a constant feedback loop. It should not as if be completely top-down. That is, I give you this, you have to take this, or you just go. There's no other choice. So demanding and leaving no choice is sort of what is happening in the current mode of technology deployment. And by technology, I mean a very specific kind of technology, which is something that Ushaji and I had a brief, very brief chat in the morning. And by technology, I don't mean any technology, but the way it is being done in the name of development. So it's a good idea to set some context here. So for example, social audits were a wonderful mechanism of having a direct engagement with the citizens who are part of a particular, let's say, NRAJ. Take for example NRAJ. Through social audits, a lot of people, information became the central tool of mobilizing a lot of people against, in terms of questioning state actions. So social audits became a very fundamental tool that through which people were able to ask questions. Now social audits are, it's a time-consuming process. At the same time, it can you cannot do many social audits in a year. However, can we come up with something by which there is a continuous monitoring mechanism, by which we can constantly monitor state actions, constantly make the state answerable and responsible to whatever they are doing? So it's within the ambit of social audit, but instead of making it reactive, as someone said in the morning, reactive disclosure versus proactive disclosure. So one of the things that we try to do as part of the group that I'm part of, which is called Program for Liberation Technology, is this whole process of constant continuous monitoring. And the whole thing came about because while I was in Telangana, every meeting that I conducted in every village in the block that I was living in, the frequent things were I have in terms of NRAJ, I worked 4 weeks ago, sorry, 4 months ago, I still haven't received my payment. So this was a very common complaint. So in some sense, there was a socialization of complaints that we were receiving through our work there. Now, one thing that happened due to the digitalization of NRAJ, which can be thought of as a laboratory of technology for a lot of things, is that a lot of these records were online at an individual worker level. However, what was missing was the way it was structured. So it was very clumsily structured, so it was very difficult for an average citizen to go and access public information. So I'm coming to the question of access to public information is what citizens are we talking about, right? The way it is structured, it is not accessible for an NRAJ worker. So we have to be very conscious of that fact and move from there. Okay, the way it is structured, probably a civil society organization that works on the ground will be able to access that kind of information. So what we were able to do with those online records was track the payment flow of workers in NRAJ, and we were able to identify where the key bottlenecks are, as in where the payment is stuck. Is it stuck right at the time of entering the muster in the block office? Is it stuck in the payment process due to late funds released by the state? Or is it stuck at the payment intermediaries level who are responsible for disbursing the payments? So after a lot of these analysis of whatever was happening online, we discovered that the key thing that was stuck was the payment intermediaries, which is the last step of the payment chain, the last mile. And these people, and there is no track record. So that is another thing.
So you were able to track data till it was in the government's hands. The moment it was released from the government to a private agency for disbursement, that tracking mechanism was lost. So there we were able to pinpoint, because of presence of data availability online, because of some amount of transparency, that we were able to discover where the payment was stuck. And then our mechanism has always been campaign around, once you are able to understand where the payment is stuck, then you can campaign around it, you can rally around it, and then we conducted a special payment audit, and we were able to do a lot of things, as in recover money from the payment agencies and have some people suspended as a person. So even the mechanism of campaigning and even the mechanism of audit became a lot more focused because of some available information online. Now the second thing I want to say is now the way MIS is structured, as I said, it's not useful for an average citizen. So what we are trying to do is, instead of looking at the design from a top-down perspective, we have created our, based on immersion in the field, we've understood what are the key things that people in the villages seek for. What kind of information are they looking at? They are not interested in looking at an MIS report. A person in Telangana is not interested in MIS reports of Rajasthan, right? So it's impossible for a person to navigate the entire system. However, if we just completely overturn how the data is structured from the perspective of the laborer, then we are able to use data much more effectively than the way it is currently done. So it raises the question of transparency for whom? Who is the entire thing transparent for? So right now the way it is done is, a lot of our CSO partners, they are able to use the kind of reports that we are generating from the perspective, so they are also, there is a sense of empowerment there. So they go to the field and they are saying, okay, these are the things that, where is your, when did you work? They say, okay, April. So they are able to pinpoint exactly where the payment is stuck, based on a completely toppled system of how data needs to be accessed. I think a lot of importance needs to be given into the design to understand what is relevant from the perspective of the laborer here. So that entire compassionate values-based design is totally lacking. Hindi mein kar lo. I mean, just one last comment in English, and then. So another thing that we've been able to do is, we are also using technology, but the technology that we are using is from the perspective of the laborer. So for example, a lot of what we do, we are able to use mobile phones to send broadcast messages and campaign around certain things. So for example, this is the last example, and then I'll switch to Hindi. So in Telangana, when horticulture work was released, that you can actually do horticulture work through NREGA, a lot of these, again, access to information was primarily with upper caste men. Women are never in the equation of access to information. So upper caste men, mainly big farmers, were able to access the fact that, okay, we can use NREGA for doing horticulture work. So they colluded with the field assistant or Rozgar Sahayak and the branch postmaster. And what they did was, they said, okay, we'll release musters and we'll get work done, but we'll not inform the laborers that they are doing this work through NREGA. So this came to our attention, and one of my team members immediately sent a broadcast message to the entire village, including the field assistant, including the farmers and everyone, saying that so-and-so thing is happening, and we should be whatever is happening. And he was able to do it because he was able to access the master information online. So he quickly went online, checked the masters, and realized that masters are being issued in their names, which they don't know of. So then there was a quick dialogue, quick rallying, quick fighting that happened between the farmers and the laborers, and we were mediating the fight between the two people. And after that, we were able to sort the thing right then and there. So again, technology was used in some sense to answer asymmetry that was created by technology. So we need to be creative about how we use technology to counter technology. So now I'll switch to Hindi. मैं शुरुआत ये करना चाहता हूँ कि technology अपने आप में अच्छी या बुरी चीज नहीं होती. Technology का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका उपयोग या दुरुपयोग जो करता है, उसके हाथ में नहीं. अगर हम ये ठान लें कि टेक्नोलॉजी से हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो हम आसानी से कर सकते हैं, जो हो रहा है कई जगह पे. जैसे अभी शंकर जी ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी के कारण कई लोगों, जैसे अभी वो बायोमेट्रिक अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं,
इस वजह से उनको राशन नहीं मिल रहा। तो ये एक उदाहरण हो गया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेके लोग नियंत्रण कर रहे हैं, लोग दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे उस चीज को अगर हम उल्टे तरफ से देखा जाए कि टेक्नोलॉजी का डिजाइन कैसे हो, टेक्नोलॉजी का निर्माण किस तरह से किया जाए ताकि हम एक श्रमिक को मद्देनजर रखते हुए पूरे टेक्नोलॉजी का निर्माण करें, ताकि हम जो भी करें वो एक जो सरकारी अफसर या आईएएस अफसर बैठा हुआ है उसके नजरिए से ना करके अगर हम मजदूर के नजरिए से अगर हम पूरे टेक्नोलॉजी का निर्माण करें तो पूरे चीज में काफी बदलाव आ सकता है। और इसी कोशिश में हम लगे, हमारी जो टीम लगी है वो इसी कोशिश में लगी है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से ही देंगे, क्योंकि सिर्फ वही नहीं। और एक और चीज हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई सुझाव नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी इज नॉट द सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी इज अ टूल। टेक्नोलॉजी एक माध्यम हो सकता है प्रशासन को जवाबदारी रखने के लिए। टेक्नोलॉजी एक माध्यम हो सकता है जिसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी की स्थापना कर सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक उदाहरण पेश किया था, जो मैंने कहा था कि ऐसा हो रहा था कि जब मैं तेलंगाना में था तो तेलंगाना में कई जगह पे जब भी कोई गांव में मैं कोई भी बैठक कर रहा होता तो हमेशा एक ही चीज, एक ही मुद्दे पे बार बार लोग अपना सवाल करते थे कि मैंने 5 महीने पहले काम किया है मुझे नरेगा में, मैंने 5-6 महीने पहले काम किया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। उनके पास पेस्लिप भी पड़ा हुआ है। अब पेस्लिप पड़ा हुआ, अब ये अगर सिर्फ एक या दो व्यक्ति का होता तो हम बता सकते थे कि शायद ठीक है इसी गांव में कुछ दिक्कत है या यहीं पे कोई मुश्किलात हो रहा है। लेकिन जब हम देखें कि गांव पर गांव, गांव के बाद गांव, हर गांव में यही सवाल आ रहा है कि हमने 4 महीने पहले काम किया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। तो ये जो सारे सवाल हमारे सामने आए थे तो हमने सारे सवाल इकट्ठा किए तो हमें पता चला कि जो शिकायत है, शिकायत सिर्फ एक या दो व्यक्ति की नहीं है, शिकायत पूरे समाज में फैला हुआ है। अब ये जो सामाजिक शिकायत है उसका हम कैसे सुझाव करें? तो एक चीज जो ऑनलाइन नरेगा का जो सारा डेटा जो ऑनलाइन मौजूद है उससे एक फायदा हमें ये हुआ कि हम ये कह सकते थे कि पैसा कहाँ पे रुका हुआ है। पैसा क्या मस्टर जब अपलोड हो रहा था ब्लॉक में वहां पे देर हो रहा है, या फिर सरकार पैसा निकालने में देर कर रही है, या फिर सरकार जो पैसा निकाल चुकी है जब गांव में जो पैसा बांटने वाला जिसे हम बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट कहते हैं वहां पे देर हो रही है। तो हमने जो देखा जो पैसे का जो पूरा फ्लो है वो सबसे ज्यादा डिले जो हो रहा था वो आखिरी में हो रहा था जिसे हम लास्ट माइल डिले कहते हैं। ये जो बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट जो थे वहां पे वो पैसा रख रहे थे, उनके पास जो पैसा आ रहा था काफी सारा पैसा, एक दो हजार नहीं 10-20 लाख की बात कर रहे हैं, वो पूरे गांव का जो नरेगा का पैसा है वो अपने साथ रख रहे थे और अपने अपने प्राइवेटली वो लोग इधर उधर सूद पे बांट रहे थे वहां पे। तो जब हमने वहां पे ये हमने टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पे देर हो रही है तो हमने वहां पे उसका अटैक किया। उसके बाद हमने सोशल ऑडिट जो संस्था है हैदराबाद में उनको साथ लेके हमने एक वहां पे एक स्पेशल पेमेंट ऑडिट कराया। हमने बताया कि हमें लग रहा है कि यहीं पे दिक्कत ज्यादा हो रही है तो हम यहीं पे अटैक करते हैं। तो हमारे जो अटैक का जो सिस्टम हो गया, हमारे जो आक्रमण का जो तैयारी थी वो काफी नुकीली हो गई थी इस वजह से। तो ये था जिसकी वजह से फिर काफी सारे रिकवरी हुआ, कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है तेलंगाना में। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आखिरी जो मैंने बताया था उदाहरण वाला, वो ये कि जब हॉर्टिकल्चर के माध्यम से नरेगा में काम का शुरुआत हुआ था आंध्रा में, तो कई सारे जो बड़े किसान थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नरेगा का मस्टर तो निकाला था लेकिन जो श्रमिक उनके काम उनके खेत में काम करने वाले थे उनको बताया नहीं गया था कि नरेगा के माध्यम से निकाला गया है। तो ये भी हमें तुरंत जब फोन आया, हमें उस गांव से एक महिला ने हमें फोन किया था तो हमने तुरंत उसके बारे में हमने थोड़ी छानबीन करने से हमें पता चला कि ये जो मस्टर निकले हैं किसके नाम से निकले हैं, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है। तो हमने तुरंत एक ब्रॉडकास्ट मैसेज किया पूरे गाँव में, उसके बाद हमने एक मीटिंग कराया। वापस यहाँ पे ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने में किया है। सवाल जब खड़ा करना होता है वहां पे टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकता, वहां पे लोगों की ही जरूरत है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ था कि फिर जो भी मसला था वहां पे वो तुरंत एक दिन के अंदर हल हो गया था। तो कहीं पे हमें ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमें अंधा ना कर दे, टेक्नोलॉजी का हमें अच्छी तरीके से अगर हम उपयोग कर सकते हैं तो उसका काफी भला हो सकता है। तो एक और चीज आखिरी जो मैंने अंग्रेजी में पहले कहा था, हिंदी में बाद में कह रहा हूं, कि ये जो निरंतर निगरानी की बात है ये
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत पावर मिला है कि हम निरंतर निगरान जहां जहां पे मौजूद है, जहां पे मौजूद नहीं है वहां पे हमें ये लाना पड़ेगा कि हम किस तरह से निरंतर निगरानी रख सकें कोई भी सरकारी काम हो। जैसे पीडीएस में हम कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां पे काफी सारा पीडीएस का ऑनलाइन हो चुका है। तो इसी पे मैं अपना अंत करना चाहूँगा, बाकी जो सवाल आएंगे हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। अंबर सिन्हा, नमस्कार। मेरी हिंदुस्तानी बहुत सोच नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही लैंग्वेजेस में। और यू कैन डू इट इन इंग्लिश एंड आई कैन देन डू अ सिनॉप्सिस इफ यू वांट। आई कैन ट्राई डूइंग इट। या श्योर, प्लीज कम इन इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे। मुझसे कहा गया था कि मैं बिग डेटा और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग किस तरीके से सिटीजन और स्टेट के बीच की जो रिलेशनशिप है उस पर इम्पैक्ट करती है, और एक एक नागरिक किस तरह से सत्ता से सवाल पूछ सकता है, किस क्या उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसको प्रोसेस करके वो उस मौके पर पहुंच भी सकता है कि वो उन सवालों को फॉर्मुलेट कर पाए, क्या इस पर कैसा असर हो रहा है। तो आई थिंक दो बातें जो शंकर और राजेंद्रन ने की जो काफ़ी रेलेवेंट है। एक बात थी ट्रांसपेरेंसी की कि इसके पहले state's ability to monitor its citizen या सरकार की ability जो है अपने नागरिकों पर नजर रखने की, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड नाउ वी आर टॉकिंग मोर अबाउट एज अ सिटीजन हाउ वी कैन मॉनिटर द स्टेट। तो हम नागरिक होने के वास्ते हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। तो ट्रांसपेरेंसी वॉज वन ऑफ द थिंग्स विच वॉज मैंशनड कि अगर जो सरकार के प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, एंड उसको ट्रांसपेरेंट करने के बहुत सारे ट्रेडिशनली अलग अलग तरीके के टेक्निक्स रहे हैं। सोशल ऑडिट के बारे में बात हुई पिछले सेशन में, प्रोबेबिलिटी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने हिंट किया था ओपन डेटा मूवमेंट और ओपन सोर्स मूवमेंट में, जहाँ पर हम एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के साधन हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जो बॉडी है, चाहे वो सरकार हो या कोई प्राइवेट बॉडी हो, व्हेन इट इज परफॉर्मिंग अ पब्लिक फंक्शन, वो हमारे बारे में डिसीशंस ले रही है, तो उस डिसीशन को लेने का बेसिस क्या है। और इसको जनरली जब हम कानून के पेज पे बात करते हैं देन वी डिस्क्राइब दिस एज ड्यू प्रोसेस, या इंडिया में हमारे संविधान में कहते हैं इसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो वो एक बात है जिसके जो कि मैं लाना चाहता था कि जब हम इन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो जो ड्यू प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है जिसके माध्यम से हम स्टेट को या पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करने वाली प्राइवेट पार्टीज को सवाल उठा सकें, वो प्रोसेस एक तरह से सबवर्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी के यूज़ से। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो राजेंद्रन कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी अपने में शायद न्यूट्रल हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की नैरेटिव होती है, जो टेक्नोलॉजी की कहानी होती है, उसमें बहुत ताकत है, और वो ताकत काफ़ी बार जैसे इस केस में हम देखें बहुत डेंजरस हो सकती है। तो अगर बिग डेटा को मैं बहुत छोटे शब्द बहुत संक्षेप में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कुछ लोगों जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है, केट क्रॉफर और डीना बॉय, उनके डेफिनेशन को बोरो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये एक तरफ ये टेक्नोलॉजी की बात है कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम बहुत कम समय में और बहुत कम बिजली खर्चा करके इफेक्टिवली बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी बात एनालिसिस की है कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको हम एनालाइज करके क्या इंसाइट निकाल रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो माइथोलॉजी की है कि एक मिथ्या है टेक्नोलॉजी के बारे में कि अगर हम किसी भी चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो बाय डेफिनेशन न्यूट्रल है। तो टेक्नोलॉजी इज ओनली एज गुड एज द डेटा दैट इट इज़ वर्किंग विथ। इन दिस केस अगर जैसे अगर पुलिस एक डिस्कशन जो हिंदुस्तान में चल रहा है
अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली में, झारखंड में, चंडीगढ़ में पुलिस ने बात की है कि हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग टेक्निक के बारे में को यूज करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम हमारी पुलिस जो है वो हिस्टोरिकल डेटा को प्रोसेस करेगी और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग कुछ पैटर्न्स बताएगी कि किन वक्त कब और कहाँ क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उस हिसाब से हम वहाँ पर प्रिवेंटिव पुलिसिंग करेंगे। तो इसके पहले कि क्राइम हो हम वहाँ पर अपने फोर्सेस को ज़्यादा तैनात कर देंगे या हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लोग ऐसे हैं हु आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स, कौन से लोग ऐसे हैं जो कि टारगेटेड हों। लेकिन कोई भी एल्गोरिथम हो जो कि इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाए, जो डेटा वो एक्चुअली यूज़ कर रहा है, द डेटा दैट इट इज़ वर्किंग विथ इज अल्टीमेटली द हिस्टोरिकल डेटा दैट द पुलिस विल हैव। तो इन दिस केस द डेटा ऑन हिस्ट्री शीटर्स जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में हो या इन द क्रिमिनल रूल्स देयर आर दीज फैबुलस टर्म्स, अलग अलग तरह के टर्म्स जो अलग अलग तरह के सस्पिशियस कैरेक्टर जिनको हम गुंडे या क्रिमिनल ट्राइब्स या हुलिगन्स बुलाते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी को हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि दे आर सस्पिशियस इन द आईज ऑफ द लॉ एंड दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। तो अगर इस तरह का डेटा है जिसके साथ पुलिस काम कर रही है, इफ द लेगेसी डेटा दैट यू वर्किंग विद इज सो बायस्ड, तो आप उस बायस को ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। एंड और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का नैरेटिव इतना स्ट्रांग है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो हम बेहतर तरीके से अपनी पुलिस फोर्सेस को एलोकेट कर सकते हैं, इसकी नैरेटिव क्योंकि इतनी स्ट्रांग है उसको उस पर सवाल उठाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक माइथोलॉजी हुई टेक्नोलॉजी की जो कि बहुत ज़रूरी है याद रखना। दूसरी बात यह है कि जब हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। देयर इज अ ट्रेडिशन जिसमें कि हमने एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कानून में भी और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हम हमेशा से यूज़ करते हुए आए हैं, लेकिन जो नई चीज़ है इसके बारे में वो उसकी कहानी है। उसकी कहानी ये है कि अब हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा है कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें और ह्यूमन एक्सपर्टीज जो हुई उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग डोमेन के बारे में जिन लोगों ने स्टडी किया है और उसके बारे में उनको एक्सपर्टीज है, उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा डेटा इतना एग्जॉस्टिव है कि वो हमें हर चीज़ के बारे में खबर दे सकता है। तो ये जो कहानी बनाई जा रही है टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड मे बी इन वेरी वेरी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेडिसिन में या साइंस में किसी कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्निक शायद काम करती है, उसका भी अभी हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है जो कि प्रूफ करता है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल एफिशिएंट है। अभी जो हमारे पास है सिर्फ उसके प्रॉमिसेस हैं। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है याद रखना कि हम उस कहानी में ना फंसें। और अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं इंडिया में, अगर हम स्मार्ट सिटीज मिशन को देखते हैं, अगर हम UID को देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन को देखते हैं, तो स्मार्ट सिटीज अगर हम एक्चुअली जो 99 या 100 सिटीज हैं और उनके प्लान्स अभी तक जो चंद शहरों के आए हैं उनको हम स्टडी करें तो एक्चुअली देर इज़ नथिंग वेरी स्मार्ट अबाउट इट। मतलब जो स्मार्टनेस सिटी के बारे में बात की जाती है तो उसमें कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें सेंसर्स होते हैं और वो चीज़ों को मेजर करती है और बताती है, तो एक्चुअली उन चीज़ों का जिक्र नहीं है। लेकिन हम उसे स्मार्ट सिटीज बुला रहे हैं और क्योंकि हम स्मार्ट सिटीज बुला रहे हैं देर आर अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज वो आर इंटरेस्टेड और हु हैव सम एक्सपीरियंस विद वर्किंग इन स्मार्ट सिटीज आर फॉर सम रीजन इन्वॉल्व। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमने कैसे इस स्मार्ट सिटीज और बिग डेटा की कहानी, इस नैरेटिव को हमने खरीद, वी हैव बॉट इनटू इट और विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअल इम्पैक्ट्स इट हैज। तो वो एक बात है। और जो मैं पहले ड्यू प्रोसेस की बात कर रहा था वो काफ़ी ज़रूरी है एंड दिस इज मोर लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये एग्जाम्पल्स जो है अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की बात करते हैं, जब हम फिनटेक सेक्टर के बारे में और लोगों ने भी पहले बात की थी,
उसमें अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम कुछ ऑल्टरनेटिव डेटा लेकर क्रेडिट स्कोरिंग करेंगे. तो जिन लोगों के बारे में क्रेडिट डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, जिनके पास शायद बैंक अकाउंट नहीं हो, जिन्होंने पहले कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हुआ हो, तो उनको कहानी, मतलब कहानी यह है कि उनको हम सिस्टम में लाना चाहते हैं, उनको भी हम लोन देना चाहते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें. और इसके लिए हम दूसरा डेटा यूज़ करेंगे, और वो डेटा होगा कि आपका लोकेशन डेटा है, आपका मोबाइल फ़ोन डेटा है, आप यूटिलिटी पेमेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में डेटा है. तो इन सब चीज़ों को देखकर हम आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को कैलकुलेट करेंगे. तो ये भी एक जगह है जहाँ पर किस तरह से वो एल्गोरिथम काम कर रहा है, किस तरह का बायस डेटा है जो वो यूज़ कर रहा है. और बिहेवियरल साइंस विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन द वेस्ट एंड हैज़ नॉट बीन स्टडीड इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट. तो अगर हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में मैंने लेक्चर सुना था फ्रॉम लेडी हु इज हेडिंग वन ऑफ द बिग डेटा, जो फिनटेक इंडस्ट्री में बिग डेटा क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में बात कर रही थी. तो एक चीज़ उन्होंने कहा कि जैसे लोग ऐप यूज़ करते हैं और वो ऐप को स्वाइप करते रहेंगे, और अगर आप अपने किसी सवाल के जवाब को आप चेंज करते हैं, उस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करके वो आपका ट्रस्ट कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सो देयर इज शायद बिहेवियरल साइंस में कुछ चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, बट वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी नहीं की गई हैं. जैसे आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अनुपम मेंशन्ड, जो हमारी कॉन्वर्सेशन पिछले दो तीन दिनों में हुई है, कि नंदन निलेकनी ने कहा था कि फॉर एवरी वन पर्सन देयर इज 20 सिम कार्ड्स. सिमिलरली एक सिम कार्ड को काफ़ी बार एक परिवार में बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइम्स पे यूज़ कर रहे हैं. और अगर सो ये जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल पेक्यूलियरिटीज़ हैं इसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और जो एक होमोजेनाइज स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप इम्पोज कर रहे हैं पॉपुलेशन, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट सबवर्ट्स आर राइट टू क्वेश्चन समथिंग. अगर अगर हम उस एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंटली बनाते, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद ही कोई उसे समझ सके. जो लोग उस एल्गोरिथम को लिख रहे हैं वो भी आफ्टर इट इवॉल्व्स यूजिंग मशीन लर्निंग, जब वो इवॉल्व कर जाता है तो एग्जैक्टली हम कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं वो लोगों की समझ से बाहर है. तो ये हमारी एबिलिटी कि हम किसी भी डिसीजन को प्रॉपरली क्वेश्चन कर सकें, उसको ऑडिट कर सकें, उसको कॉम्प्रोमाइज करता है काफ़ी हद तक. और ये बिफोर वी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज स्टैंडर्ड्स इन ऑल आवर इंडस्ट्रीज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड दीज क्वेश्चंस एंड आस्क देम. एंड आवर लास्ट स्पीकर इज दीप्ति. Following in very stellar acts of bilingualism, and I will try, you know, if I can't and I fail at it, I rely on Sehdar to help me out. मुझे मंच पे हिंदी में बात करने की मैं ज़्यादा आगी हूँ नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी. अगर नहीं कर पाई तो Sehdar जी मुझे बचा लेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. सो व्हाट आई हैव इज एसेंशली going from, I think, very important experiential grassroots learning. We came into this whole thing in March with a project that we're doing, where we were looking at citizen voice in, you know, governance, in government structures, in democracy and things like that. And we started off from there. And what I want to do today is probably like present some findings, some very nascent emergent findings from the project. And just, you know, it just amplifies the discussions and the discourses that have been happening here today. So there's, I don't think there's anything particularly novel, but I think it's, that's what probably is disturbing, and that's what we should pay attention to in that sense. So ye jo hai, hum ye research project kar rahe the March mein, it's called the Voice or Chatter project, and we were interested in looking at ICT mediated citizen engagement. So जनतंत्रता में जो नागरिकता है, आवाम की आवाज़ है, वो कैसे आती है, वो कैसे दर्ज होती है, उसका क्या होता है, हाउ डज इट गेट मैनिफेस्टेड, वेयर डज द इफेक्ट गो, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी वुड इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग. अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन वॉइस, वेयर डज इट गो,
how does it manifest itself, especially when you have digital government and you have digital engagement with the government. Three things that we wanted to look at is one, trying to understand the shifts in meanings of, you know, what it means to be a citizen, what it means to be a state in this time and age. What are the new norms? You know, I think we've had a lot of conversations on the whole idea about how architecture has become policy, so I won't go a lot into that. And we wanted to try, and we've been trying to map the shifts in power as well. So ultimately, these grand projects of e-democracy, e-participation, e-consultation, the many E's that we find, how are they and what are they actually doing to change the status quo? What are they actually doing to change the relationship between the state and the citizen? So this was the entry point of the project. I'll skip over this in the interest of time. So we had 9 case studies, and we looked at them from like different points of view. The idea was to take democracies that have come into the state of democracy from at various points of time, in various states of maturity, with, you know, various states of stability. So we have cases from Europe, from Asia, from Africa, and from Latin America, and we have 9 different case studies. So हमने 9 देशों से ये केस स्टडीज कंपाइल किए हैं और ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग मोड पे आए हैं जनतंत्रता में तो कुछ हैं जो बहुत सालों से दे हैव हैड वेरी स्टेबल डेमोक्रेसीज बहुत लिटरेट पॉपुलेशंस हैं उनके फॉर बेटर फॉर वर्स दे आर कंसिडर्ड यू नो थिंग्स दैट वर्क सो वहां से लेके वी ऑल्सो लुक्ड एट कंट्रीज लाइक ब्राजील कोलंबिया एक्सेट्रा जहाँ पे बहुत हिस्ट्रीज हैं violence ki, political instabilities ki, etc., etc. So we try to map it along a continuum to understand where the, you know, what are really the lessons that are coming from different points. So I'll skip over this in the interest of time because I think we're running. So, but yeah. All right. So I'll just give you the key insights, and this is what is important. So we're now at the mid-cycle in the project. So abhi 6 mahine ho gaye hain, and we're starting to get some formative insights, and one of the things that I think is a pretty, you know, evident thing, but it keeps coming up, and something that we should pay attention to is the fact that the variances in the historical political context will always or are always mapping onto their digital counterparts. So we can't have these overwhelming aggressive push for digitalization if we don't have the supporting infrastructure, if we don't have the supporting whatever it is, the know-how, the equipment, the last mile coverage, which I think both Rajendran and you know, Shankar ji have spoken about. If that is not sound, then there's a problem, because you're trying to like push for something that needs a lot more happening, you know, at the back end before you can actually make it successful. But what's interesting, and what's been a kind of a maybe surprising, may not so surprising finding, is that whether democracies are nascent, however we want to understand that, whether democracies are mature, like in the case of the Netherlands, there's this understanding that digital processes or e-participation doesn't do much ultimately to deepen democratic process. Whatever we might understand as that, citizens at the end of it don't find themselves substantially engaged through these over top-down approaches of, yeah, we do an e-consultation, send in this, that's democracy, that's e-participation. It doesn't exactly translate that particular way. But the good news, and I think one of the silver linings of our you know, case studies have been that local level, level governance initiatives, and you know, these have been particularly successful in Spain, which has open-source municipalities. They're networked, and it's a wonderful initiative. Or I think even municipalities in Netherlands, etc., they are vastly more successful, like digital technology usage has been vastly more successful in these cases, perhaps because one, there's like a higher level of intimacy with your governance, and the stakes are maybe not higher, I would say more visible, and you might feel the changes manifest closer to home. So that's been a positive finding that we've, I mean, we're still finding things, but this is one of the important things. But what I want to focus on, I think, in the my last 5 minutes is one, the thing Three that minutes. Was said in the morning also. 3 minutes. Sorry? 3 minutes. 3 minutes, all right. That
e-governance or digital governance architectures have moved to this highly individuated clientist management framework, and they're being done with this excessive focus on efficiency, this excessive focus on waste reduction, where it's all about how do I ensure that somebody doesn't siphon off that 50 rupees on, like, you know, a ration card, or how are they doing? Forget the crores and crores of money or the billions of dollars, I mean, that are like outright acts of violence, I would say, in some sense. But no, I must track that 100 rupees and I must find out what happens to it. Therefore, my e-governance must focus on waste reduction. That's essentially what it's called. It's called waste reduction. So where can I stop the leakages? And how can I make it more and more automated? How can I make it more presentless and cashless and all of those things? And what is interesting and what is also deeply troubling is that all of these governments, and some of them are actually right now going through some very real crises in democracy, in like places like Brazil and Philippines, where there's been like a lot of police brutality, there's like protests happening every day, but they have an open data project and they are a democratic state. And so there is this high amount of rhetoric of openness, transparency, participation. It's high in all the cases that we've looked at. But what our research, that incoming research, is confirming is that they've become depoliticized. They've become these appropriated frameworks to say, yes, here's an open data website, do what you want with it, we are open. So, you know, what are you complaining about? That's essentially the sort of stance that most governments are adopting. And I just want to... ये थोड़ा हिंदी में बोल दो. आप जो ये मुद्दा कह रही थी उसको. कौन सा मुद्दा? ये लास्ट वाला कि ये let me just, because I think it's an important point, कि ये जो अलग-अलग देशों में जहाँ पर राजनीतिक परिस्थिति और गंभीर बन रही है और जहाँ प्रजातंत्र पर लोगों पर बहुत बड़ा हिंसा के एक बदलाव बन रहा है, उन देशों में जो स्थापित ये ओपन टेक्नोलॉजी है उसका कोई संदर्भ नहीं दिख रहा है कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्रजातंत्र पर या लोगों की आवाज़ पर या लोगों की भागीदारी में कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकारें अभी भी तानाशाही फिर से ला रही हैं. तो उनका ये कहना है कि ये पूरी कहानी कि ट्रांसपेरेंसी, जब उसको आपको उसकी राजनीतिक महत्व से निकाल दो तो वो शब्द ही रह जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी भी वैसी ही बन जाती है जिस जो सब लोग कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है. इसको आप खुली कह रहे हो पर ये एक्चुअली खुली नहीं है, प्रश्न ही गलत पूछे जा रहे हैं उसमें. So the last thing that I just wanted to quickly end with is what I started with, which is the idea of citizen voice. So even the most, so I would just like to cite the example of Netherlands, which is one of our cases, and it's it does outstandingly on all its e-government, ICT indices, and et cetera, and it's like whatever, success studies and blah, blah. But even there, you know, what our research shows us is that there is a paucity of digital literacy. There is still a paucity of like people not really understanding or maybe not wishing to. And that's another, I think that's a choice we must also find a way of respecting. And I think it's important. But what the learning from there has been is that it's very important to think about access. You can't think about a digital by default if you're not thinking about an access by default. It's very simple. And you must find a way of ensuring that legacy systems, especially when you're like forcing Aadhaar down people's throats or you're forcing jam down people's throat, that you have legacy systems in place till you are absolutely certain that nobody gets left behind. That's very, very important. And I think this is even more important when we think about the fact that those are maybe nations, I mean, in first world contexts, whatever we want to understand that as, the costs of not being able to participate or not being able to lay claims on your state are, I'm not saying insignificant, but when we think about the nuances of, you know, a nation like India, and when we think about the various political social factors, the costs of not having your voice finding any avenue where, you know, you're trying to push this entire digital platform that doesn't make space for you, that doesn't recognize you, that delegitimizes you and says you don't exist because, you know, I don't have your ID or I don't have you this,
etc. Or you can't function in the modality that I have considered as like absolute. We cannot have this excessive push, I mean, whatever we want to call it, digital India or e-government, etc., unless we have institutional guarantees that people are not being cut from pension rosters, that people are not being cut from ration rosters. It's absolutely vital that we think about access and we think about the fact that you cannot deny somebody their claim with the state. And I'll end there. हाँ बसंत में उन्होंने यही बात की जो शंकर ने शुरू की कि 100% करो तो ठीक है तब तक इसका कोई मायना बनता नहीं है ये कोई किसी चीज़ को आसान नहीं कर रहा है ये और भी कठिन कर रहा है आज हमारे साथ विपुल हैं करुणा करुणा आप गुड आफ्टरनून एवरीवन I'm coming from Tamil Nadu, and I'm talking specifically from the context of rural areas, you know. So we've been talking about democracy and digitization and all of that. So when you look at it in the context of rural areas, I come back to the last point that Deepti actually made, where access is a very important issue. So we are running around 4,000 CSEs, Common Service Centers, Government of Tamil Nadu through the Puduvalvu project. It's a NRLM type of project, National Rural Livelihoods Mission. So they have village poverty reduction committees in each panchayat, and these actually committees, the bookkeeper of that runs a common service center in the panchayat. So what we find is nearly even more than one third of the these centers are not active at all, and the reason is because they do not have any access. So even the entire village does not have internet access at all. So, and the other places also, the access is just very limited access, very slow internet connections, and it is just, there'll be one computer in the entire village, and they'll just be accessing it, and there is this. So most people do not have access to internet. I mean, that is the reality. Or they do have access to mobile phones, but still, they don't. That is not a... I was reading about the FAQ here, and they said, you know, the big data in the context of big data is a very nice statement where most people do not leave any digital footprints at all. So if you're going to make decisions based on big data and stuff, then you're excluding a whole lot of people who just do not have any access to these technologies. So before you talk about, all this stuff, I think the most basic thing is to provide network access to every rural place, and only then will we be able to bring equity and people's participation, because otherwise we'll be far ahead. I mean, already the digital divide is quite wide, and we'll keep talking about so many different things and excluding a whole lot of people. So that's the number one point. So then with respect to access to data, so there is an MGNREGS, it's an exemplar, so much data is out there, and that anybody can look at the data, whether a person in Kashmir or Kanyakumari, you can get access to the data. But how relevant is it to the person in a village if you look at it? I mean, it's not quite user-friendly. And people in rural areas, I mean, they will not be able to make sense of the data. You need somebody to intermediary to actually help you get access to the data and to interpret it and show it in a way that's meaningful. And it's not really amenable to... for people to take actions, so they find out information about, so what is the average wage rate in my village versus what is the average wage rate in that village, or, who are the people, what number of days that I'm getting work versus somebody else in the neighboring district. So those sort of information, information that be meaningful to people, that is just not available there, and you cannot just say that we'll put all that information out there in the internet and then it will be available to people. So this concept of this Janata information system, that's very important, and we have to keep that in mind. And in TN, for instance, there's a very nice project. There's actually, we're not talking about open data and stuff, but basically section 4 of RTI, that you have to proactively reveal all the information that is there. I mean, that itself is not being implemented in any of the departments. So in Tamil Nadu, we had a good, in the PDS, one common problem is that you go to the ration shop, normally, suppose 100 kilos of rice has to be there, but there only 80 kilos will come, and then you will not be able to get the person who runs the shop will just say it got over.
So to prevent this, what they said was, you can actually SMS your shop number to one particular central location, and then you'll get back information about how much of the rice, dal, oil, all of this is there in your shop. And that's a wonderful, you know, very low-tech stuff that people can actually mobilize around. You know, you can find out, send that SMS, get back the reply, and then find, go question your ration shop owner. But they built that infrastructure, but it's not really very, I mean, there are certain issues with how it is running and stuff, but that does not really lead to empowerment immediately, you know. And you can't negotiate just with that data. You go and show that SMS to your ration shop owner, you just say, forget it, that's all wrong data, fake data, I can't do, I mean, there's nothing, nothing available for you here. So you have to take it beyond, it's not just data alone. Suppose for instance, you have this village poverty reduction committee, which is running this CSC, Common Service Center. If they were to, you know, get this information, then put it up on a blackboard saying, I mean, this is the amount of stuff that is available in your in your ration shop today, and so that sort of thing will, you know, promote collect people to mobilize around issues. I mean, that sort of thing is just not there. The way the common service centers are conceptualized is just, how do you make them self-sustainable? How do you make them just generate money? So it shouldn't be thought of like that at all. I mean, even when I go to meetings with the IT secretary, I mean, he keeps on saying, I mean, why should you keep your centers open, your centers run by the women? Actually, some research has also shown that if the common service center is run by women, then more women are likely to access it. Right? So that all that is not the question. Now, why so few number of transactions in your center? Why should I keep it open? And so it's not like it's spending any extra money to keep it open, you know, but it's just thought of in terms of how do you, how much transaction, how much money are you making, and why are you keeping? So that's how they think. It's a very limited view when there is actually so much potential with respect to ICT, with respect to community empowerment and stuff that is possible, but none of it is, it's just, they don't think about it like that at all. मैं हिंदी में कर दूं, आपको एक और मुद्दा बोलना चाह रहे हैं तो कह दें, फिर मैं कर देती हूं. Grievance redressal, right? So like grievance redressal, so right now they're pushing all these services. If you want a community certificate or a nativity certificate that you can apply, and you have to pay 50 rupees for each of those, you know, these are stuff that you're supposed to get for free, but because they want to make all these institutions, you know, common service center self-sustainable, they're charging 100 rupees even to get pension. If you want to apply and stuff. But then, so in metadata about this, all the grievances, you know, that is not available. Like how many complaints have been made? I mean, how many have been redressed? What is the outstanding number of complaints? You know, so that sort of metadata should also be available. Otherwise, you just apply and then you have to log in into your account and then see what happened to your thing. So there's no public accountability at all. So that is also a very big issue. And then, like, you know, collectively, if you want to make a complaint, like for instance, the village poverty reduction committee finds out that there are really poor people in the village for whom pension has to be, so they pass a resolution. Now they want to, but it's not in their control. If for instance they want to make a complaint, you know, how do you do it? How do you, and they have to publicly track what's happening to that. So that sort of a thing is not there. Grievance is all just one-on-one, you interacting with the state, and the state is very powerful, and whatever it decides, it will just, so that sort of public accountability, you know, that is not, that's also missing. Main Hindi mein kar deta hu. हमारे साथी जो तमिलनाडु से आए हैं, और ये बहुत डरावना चित्र है, क्योंकि हमें लगा कि साउथ लिटरेट है, एक्सेस है. तो वो जब बात करते हैं कि पहला प्रश्न तो ये है कि 4000 जो सेंटर्स चला रहे हैं उसमें से 25% में इंटरनेट की कनेक्शन ही नहीं है. तो आप जब ये उन्होंने इनसे जोड़ा कि आप जब अगर जो बड़ा डेटा लेके निर्णय ले रहे हैं लोगों के लिए, तो तमिलनाडु में ही हमें ये प्रश्न आ रहा है कि सरकार ये नहीं कर रहा. दूसरा जो एक अहम बात की कि जहाँ पर भी अभी ये छोटे छोटे शुरुआत हुई है, जहाँ गांव में कुछ सेंटर बना है, उस पर भी एक्सेस भी नहीं है, महिलाओं का तो बिल्कुल नहीं है, पर उस पर भी अभी से दबाव है कि आप अपने आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं. तो अगर जो ये बड़ी कंपनियों पर ये प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, तो जो छोटे लोगों को अपना आवाज़ देने के लिए ये जरिया बनाए गए हैं या उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उसमें तो ये दबाव है कि पहले दिन से पैसा कितना जनरेट हो रहा है. तो अलग अलग तरीके जो ये सस्टेनेबिलिटी के हैं,
वो ये दलाल से भी खराब ही हो रहे हैं कि आप भाई पेंशन का फॉर्म भरोगे तो 100 रुपया दो, तो ये तो दलाल भी तो 50 में कर देता है, तो ये एक और एक पैमाना बन रहा है। और तीसरी जो बात उन्होंने कही मुझे लगा कि बहुत अहम है और कई तरीके से सब जगह मंच में ये कही गई है कि बाई इटसेल्फ ये जो डेटा है अगर जो लोगों को पता भी चल जाए, एक तो इस तरह से प्रस्तुति हो जो ये बात कर रहे थे कि उसका कोई मायना लोग बना सके, तारण निकाल सके, और उस पर ये सब जब तक लोग इकट्ठा होके सत्ता को चैलेंज कर लिए तो आमना सामनी होनी पड़ेगी। वो आमना सामनी कोई मशीन के साथ नहीं होती है, और जब भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है वो आमना सामनी करने के लिए लोगों का ज़रूरत है। और दूसरा ये तकलीफ कर रहा है, वो इन्होंने कहा कि आप ये पूरी शिकायत के निवारण की व्यवस्था में सामूहिक तरह से भी एक पूरा ग्रुप या ग्राम संगठन को पता चलता है कि ये हमारी कलेक्टिव शिकायत है, ये एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, ये सबका अनुभव है या पंचायत का निर्णय है और दिख रहा है इस पर कुछ होना है, वो दर्ज करने की कोई जगह नहीं है। तो कुछ मिलता है उसके लिए भी सामूहिक ताकत चाहिए, और जहाँ सामूहिक ताकत जमा होती है उसको भी ये पूरा नकार देता है और एक इंडिविजुअल कंप्लेंट के रूप में कर देता है। मुझे लगा है कि बहुत गहरी बातें आई हैं और लगभग सुर जुड़ा हुआ है इस पूरे मसले में, जो इंटरनेशनल डेटा भी बता रहा है और जो हमारा स्थानिक डेटा बता रहा है। इसके सिवाय कुछ तीन लोग कुछ टिप्पणी करना चाहें या जोड़ना चाहें तो जोड़ लें, समय खत्म हो गया है। I'll need आपका your help for translation. Yeah. Just two points that I want to make. One is that taking away from the first session and this session, there are two issues. One is of course there is the use of power. I mean the understanding the power structure. So technology, just like finance, I would say finance in the last century, technology in this century is shaping the new power structure. But essentially it is still a power structure. One quick example, when we have the great recession, not the depression but the recession 2008-09, many banks which had sold the subprime mortgages etc., they used that to completely send practically most of the world into a great recession. But what it created also was that they didn't have to pay any costs for that great recession. So Goldman Sachs and all the other banks were quickly bailed out, except Lehman Brothers, because they were thought they are too big to fail. So if you look at the conversation we had in the first session and this session, today the technology groups are using technology to gamble with what we are doing, knowing full well that they will not have to pay for this gamble. So while the identity project in the UK had to be rolled back at a much higher cost, nobody had to pay any cost for it except the people, and the same thing will happen here. The second and the last point that I want to add to this is this whole thing about big data, etc. We have seen how big data and data journalism has spectacularly failed in the United States to predict the outcomes. To add to that, from the area that I come from, intelligence, National Security Agency, considered probably the most powerful data gatherer in the world today, despite sucking out so much of data from across the globe, less than 1% of the terrorism that they counter is coming from all that data that they're gathering. So for something this specific, if you're not able to use all your power and all your technology and all your data, how can you think of even giving half the services that we're talking about based on the same paradigm? And that is where we need to challenge these notions. Thank you. Teen ahem baatein ki ye wo keh rahe hain, main pichli se shuru karungi ki itne sare data par jo paisa kharch kiya ja raha hai, ye paisa kiska hai aur ye is par kaun jawabdari hai, kyunki jab ye fail hota hai to ye public ke paise se hi ye fail hota hai, unko koi jawabdehi ya unka khud ka koi ghata होता नहीं है। ये बैंकों को भी हुआ है और यहाँ भी हो रहा है। और जब इतना सारा डेटा लेकर अगर जो आप टेररिज्म में भी वो कह रहे हैं कि 1% ही इसमें से कुछ भी टारगेटिंग हो पा रहा है, तो अन्य सब चीज़ों में इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस
काम आएगा, ये भी एक बड़ा फेलियर उन्हें दिख रहा है. और कोई जी, मेरा राजेंद्रन जी के लिए एक पहला प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी के एक रिजीम को, एक टेक्नोलॉजी के रिजीम के साथ लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना, मैं सोच रहा हूँ अगर, मैंने ये पॉइंट्स पहले भी कहे जा चुके हैं इन द अदर सेशंस, कि द वे दैट दिस डेटा इज रिप्रेजेंटेड और सेंट आउट इन द पब्लिक डोमेन, वो डेटा सब कोई पढ़ भी नहीं सकता, सब कोई यूज भी नहीं कर सकता. यहाँ तक के इनरेगा का डेटा भी जैसे दिया रहता है इनरेगा के वेबसाइट में, कभी कभी वो भी पढ़ना और उसको अक्रॉस रजिस्टर्स, अक्रॉस ईयर्स टैब्यूलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो आप जैसे पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं, आप जैसे एक्टिविज्म को इमेजिन कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा सेंस नहीं आ रहा कि आपके पास ऑलरेडी एक रूल ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिस रूल ऑफ एक्सपर्ट्स को लेके आपको दिक्कतें हैं, तो आप एक थोड़ा सा और बेनिफिशियंट रूल ऑफ एक्सपर्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की बात कर रहे हैं, विच डज नॉट नेसेसरली चेंज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और द वे दैट दिस टेक्नोलॉजी कम्स अप विद इट्स आइडियाज ऑफ पब्लिक एक्सेस एटसेट्रा. अगर मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये एक रूल ऑफ एक्सपर्ट्स को दूसरे रूल ऑफ एक्सपर्ट्स से डिस्प्लेस करना, ये पहला प्रश्न. और एक दूसरा प्रश्न ये है सारे पैनलिस्ट्स के लिए कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा कॉमन सेंस है, उसका जो कॉमन सेंस एक्सेप्टेबिलिटी है, वो बिल्ड किया गया है सर्विस डिलीवरी के रिटोरिक के ऊपर. लीकेज को संभाल लेना और सर्विस डिलीवरी को प्रॉपर करना, मुझे लग रहा है कहीं पे एक there is this complete talking at each other that is happening with these agencies के वो हमको बोले जा रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी किया जाएगा और वो करने का बेस्ट उपाय है टेक्नोलॉजी. उसके साथ साथ चंद और डिफरेंसेस भी हो रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के हायरिंग पॉलिसीज बंद हो गए हैं, फेस टू फेस इंटरैक्टिव गवर्नेंस जो हुआ कर, गवर्नमेंट जो हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ करता था, उसके लिए जो पर्सोनेल चाहिए था, जो स्टाफ चाहिए था, वो हायरिंग होना बंद हो गया एक पॉइंट के बाद. काफी सारे दफ्तरों में उतने लोग नहीं है जितने चेयर टेबल है. तो एक हालत ऐसा आ गया है कि हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए सर्विस डिलीवरी नहीं हो रहा है, वी आर कमिंग अप विद एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल कि सर्विस डिलीवरी नहीं हो रहा है, एंड वी आर बीइंग कॉन्स्टेंटली टोल्ड, वी आर बीइंग द सेम आंसर इज बीइंग रिसाइकल्ड कि टेक्नोलॉजी थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर देंगे तो सर्विस डिलीवरी होने लगेगा. So in that sense, where is that this dialogue reaching, this constant accruing, accumulating of examples ki dekhiye service delivery nahi ho raha hai, is that actually helping as a criticism of this common sense, or is it that some kind of a different tack should be taken in terms of addressing this dialogue? These are the two things that I wanted to. Thank you. I think ye dono mudde important hain aur ye hamari sabki charcha ke liye hain. हम और इसलिए राजेंद्रन ये एक वन बाय वन डायलॉग ना लेके हम कल ग्रुप डिस्कशंस में इसको ले लें, हम ये सत्र यहाँ खत्म करते हैं. सॉरी फॉर ओवरस्टेपिंग 5 मिनट्स.